हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल के लिए शरारा प्लाजो विद कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो मेरा पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासेस ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब करें। उस पे भी आपको ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग सीखने को मिलेंगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस साइज के लिए रियॉन फैब्रिक 2 मीटर लिया है। इस कपड़े की लेंथ और विड्थ 39 इंच की है। सबसे पहले कुर्ती में चोली बनाएंगे, उसके लिए मैंने कपड़े की 2 लेयर ली है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें। इस साइज में चोली की लेंथ लेंगे 11 इंच, 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो नीचे से 12 इंच लेंथ लेंगे। फुल शोल्डर है 12 इंच, जिसका हाफ हुआ 6 इंच, तो आर्म होल की लेंथ 6 इंच लेंगे। शोल्डर का हाफ 6 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच, डेप्थ के लिए भी 3 इंच लेंगे। यहां पे राउंड शेप दे, यहां से भी 6 इंच पे निशान लगाएं। इसे बराबर करें, यहां से शोल्डर 2 पॉइंट डाउन कर दें। इसे यहां से मिलाएं। फुल चेस्ट का साइज है 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे तो यहां से 7.5 इंच लेंगे। मैंने बिल्कुल बराबर कपड़ा लिया है। यहां पे आर्म होल का शेप दें। अब यहां से कटिंग कर दें। अब इसे ऐसे खोलें और यहां से एक शोल्डर अटैच करें। अभी एक साइड का शोल्डर खुला रखना है क्योंकि पहले हम नेक लाइन बनाएंगे। उसके लिए आपको सेम कलर का प्लेन कपड़ा लेना है, उस पे गोटा पट्टी लेस अटैच करके क्रॉस पट्टी बना लेनी है। फिर इस पट्टी को पीछे की तरफ से नेक लाइन के बिल्कुल बराबर से रखना है। क्रॉस पट्टी को खींचते हुए आपको सिलाई लगानी है, नेक लाइन को नहीं खींचना है। और इसको बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। पूरी नेक लाइन पर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब सीम अलाउंस का मार्जिन ऊपर की तरफ ऐसे करें और पीछे से कपड़े को बराबर कर लें, जिससे सिलाई लगाते समय पीछे की तरफ लेस नहीं दबेगी। और आपको मैं एक चीज बता दें, इसमें मैंने लेस की चौड़ाई लगभग 1/4 इंच रखी थी, 1.1 इंच रखी है। अब ये वाली लेस जहां तक सीम अलाउंस का मार्जिन है वहां तक फोल्ड करनी है। फिर इसे एक बार और पलट दें तो ये पलट के बिल्कुल वहां पर आएगी जहां पे हमने सिलाई लगाई है। इस तरह से आ जाएगी। अब किनारे से सिलाई लगा के इसको ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। ऊपर की तरफ पूरी लेस अटैच कर दी है। अब इधर से भी शोल्डर को अटैच कर देंगे। फिर आर्म होल पर भी सेम लेस अटैच कर लेनी है। फिर घेरे के लिए आपको कपड़े की 2 लेयर लेनी है। इस साइज में फुल कुर्ती की लेंथ लेंगे 24 इंच, जिसमें 11 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो घेरे की लेंथ 13 इंच लेनी है, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। इस कपड़े की लेंथ लेनी है तो फिर 14 इंच। और इस तरफ से चोली के पार्ट्स कट करने के बाद जितनी कपड़े की विड्थ बची है उसे हम घेरे में यूज कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे कपड़े की विड्थ बची है लगभग 27.5 इंच। अगर आप इस तरफ से चोली के पार्ट्स कट नहीं करेंगे तो आपका 2 मीटर कपड़े में 1/2 मीटर कपड़ा कम पड़ जाएगा। और अगर आप एक साइड से चोली के पार्ट्स कट कर लेंगे तो 2 मीटर कपड़े में ही आप इस साइज का शरारा प्लाजो कुर्ती बना लेंगे। अब नीचे से कपड़े को फोल्ड कर दें। सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लेके कपड़े को फोल्ड करें और एक साइड आपको 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगानी है गैदर बनाने के लिए। फिर दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचेंगे, इस तरह से गैदर बनाएंगे। सारी गैदर आपको बराबर से एडजस्ट कर देनी है। फिर आपको ये वाली गोटा पट्टी लेस लेनी है और इस गोटा पट्टी लेस को नीचे से इस तरह रखना है और ऊपर से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। और ये लेस आपको पूरे में अटैच करनी है,
सेम ऐसे ही आपको इसकी दूसरी लेयर भी तैयार करनी है। अब चोली को इस तरह से रखें और इसके ऊपर घेरे को उल्टा रखें, यहाँ से बराबर मिलाते हुए अटैच कर दें। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी लेयर भी अटैच करें। अब इसे साइड से भी अटैच कर दें। अब कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अब इसका शरारा प्लाजो बनाएंगे। शरारा में पहले ऊपर का पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए कपड़े की आपको दो लेयर लेनी है। फिर सेंटर से फोल्ड करें। इसमें हम 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालेंगे, उसके लिए 1.5 इंच मार्जिन ऊपर से सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। फिर इस निशान से टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे टोटल 11 इंच। नीचे से 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो यहाँ से लेंथ लेंगे 11.5 इंच इस निशान से। इसमें बेबी का हिप साइज है 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए, तो यहाँ से 9.5 इंच पे लगाएंगे निशान। जितनी यहाँ से विड्थ है उतनी ही क्रॉच लेंथ लेंगे 9.5 इंच पे। यहां से भी 9.5 इंच पे लगा दें निशान। इस निशान को सीधा करें और इस निशान को यहां से मिलाएं। इस निशान से आगे के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लें। मैंने देखिए बिल्कुल बराबर कपड़ा लिया है। यहां पे हल्की सी गुलाई दें। यहां से पीछे के लिए लगभग 1/2 इंच पे निशान लगा दें। इस निशान को यहां से मिलाएं। अब इधर से सेम निशान पर कटिंग कर दें। यहां पे एक स्मॉल कट लगा दें, जिससे कपड़ा कहां से फोल्ड करना है आपको आसानी से पता चलेगा। अब सेंटर से खोल लें और एक तरफ से क्रॉच लेंथ अटैच करें। अभी एक क्रॉच लेंथ अटैच किया है और दूसरा क्रॉच लेंथ खुला रखना है। पहले नेफे को फोल्ड करेंगे, तो जहां से हमने कट लगाया है वहां तक नेफे को फोल्ड करना है। ऊपर से 1/2 इंच पहले नीचे के लिए फोल्ड करें, फिर जहां से कट लगाया है वहां से इस तरह नीचे के लिए फोल्ड कर दें, और ऐसे बिल्कुल सीध में कपड़े को फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं। इस तरह से बिल्कुल सीध में नेफे को पलट देना है। और जैसा कि बताया था, इसमें हम 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक की लेंथ आपको कमर के नाप के अकॉर्डिंग लेनी है। इसमें कमर का नाप है 26 इंच, जिसका 1/3 भाग हुआ 19.5 इंच। तो देखिए 19.5 इंच की लेंथ में मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को इधर से इसके अंदर डाल देंगे। इलास्टिक को डालने के बाद पहले दोनों साइड से सिलाई लगा के इस तरफ से इलास्टिक को रोक दें, फिर इलास्टिक को कपड़े के साथ खींचते हुए एक सेंटर पे सिलाई डालें, जैसे देखिए मैंने डाली है, जिससे इलास्टिक अपनी जगह पर सेट रहेगी। अब इस तरफ से भी क्रॉच लेंथ को अटैच कर दें। घेरे के लिए आपको कपड़े की 2 लेयर लेनी है। अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं। इस कपड़े की 1/2 विड्थ है 21.5 इंच। जितनी कपड़े की विड्थ थी पूरा कपड़ा विड्थ वाइज मैंने लिया है, सिर्फ लेंथ वाइज कपड़े को कट किया है। इस ईयर में फुल प्लाजो की लेंथ रखेंगे 28 इंच, जिसमें 11 इंच टॉप लेंथ माइनस करेंगे तो 17 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है, और 1 इंच मार्जिन इसमें सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ 18 इंच लेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 18 इंच लेंथ ली है। अब इसमें भी नीचे से कपड़े को फोल्ड कर दें 1/2 इंच का मार्जिन लेके, और ऊपर से सेम वैसे ही गैदर बनाएं जैसे हमने कुर्ती में बनाई थी। ऊपर की तरफ से गैदर बना ली है और इसकी विड्थ यहाँ से इसकी जितनी चौड़ाई है उसके बिल्कुल बराबर रखनी है और ऐसे गैदर को एडजस्ट कर देना है। और नीचे की तरफ सेम वैसी ही गोटा पट्टी लेस अटैच करनी है जैसी हमने कुर्ती में अटैच करी थी। अब इस वाली लेयर को एक साइड से बराबर मिलाते हुए इसके साथ अटैच कर दें।
बिल्कुल ऐसे ही आपको इसकी दूसरी लेयर भी अटैच कर देनी है। अब क्रॉच लेंथ को सेंटर से मिला के रखें। क्रॉच लेंथ की जॉइंट को बराबर मिलाते हुए ही इसे सेंटर से अटैच करेंगे। तो ऐसे बराबर मिला लें और पहले इस तरफ से इसको अटैच कर दें। फिर जब एक साइड से अटैच कर लें उसके बाद दूसरी तरफ से इसे अटैच कर दें। और अब हमारा शरारा प्लाजो भी कंप्लीट हो गया है। और अब प्लाजो कुर्ती पूरा तैयार हो गया है। आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कटिंग स्टिचिंग सीखने को मिलेंगी ड्रेसेस की। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।